हम लोगों ने जो पढ़ा है, हम लोगों ने लाइट की जो है, लाइट की रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है, साउंड की रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है, वाटर वेव की रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज हम थोड़ा सा आज डिफरेंट काम करेंगे। आज हम एक्स रेज की रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमें मालूम है कि जो एक्स रेज होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, और इसकी वेवलेंथ इतनी छोटी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि 10^-10 मीटर होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 10^-10 का मतलब है कि 10 जीरो के बाद इतने ज़्यादा डेसिमल आएंगे, तकरीबन 10 डेसिमल आते हैं, तो हमारे पास 10^-10 मीटर जो है वो इसकी वेवलेंथ आ जाती है। अगर हमें एक्स रेज जो है, और एक्स रे की जो डिफ्रेक्शन है, हम वो एक क्रिस्टल से मालूम करेंगे, यानी कि हम एक्स रेज को किसी क्रिस्टल पर गिराएंगे और फिर देखेंगे कि इसकी डिफ्रेक्शन किस तरीके से होती है। लेट सपोज ये हमारा सोर्स है जो हमें एक्स रेज रेज दे रहा है। इस रेज को हम लोगों ने किसी सॉल्ट के क्रिस्टल पर गुजारा, सॉल्ट के क्रिस्टल पर डाला, गुजारा नहीं बल्कि डाला कहना चाहिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो है क्यूब है, हमें मालूम है कि जो NaCl है उसका जो क्रिस्टल होता है क्यूबिक सेवन सिस्टम में, वो इस तरह का सॉल्ट होता है। क्यूबिक शेप में NaCl का जो क्रिस्टल है उसकी शेप होती है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्ट रख दिया NaCl का, यहाँ से हमारे पास एक्स रेज आ रही हैं और एक्स रेज इसके ऊपर गिरती हैं। आपको मालूम है कि जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट में बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं, और एटम्स जो होते हैं एक सॉल्ट के क्रिस्टल्स के अंदर, वो इस तरह से अरेंजमेंट होती है कि लेट्स सपोज कि ये एक उसकी अरेंजमेंट है इस तरह से, और हर दो, चूंकि आपको मालूम है कि एटम्स जो है वो अगर लेयर्स में है तो उनकी लेयर्स के दरमियान कोई ना कोई तो डिस्टेंस होता ही है ना। लेट्स सपोज कि ये एटम्स की एक लेयर है, इसके बाद ये दूसरी लेयर आ रही है, इसी तरह से ये इसकी दूसरी लेयर है, और सपोज कर लीजिए कि इस लेयर और इस लेयर के दरमियान जो डिस्टेंस डी है ना, वो डिस्टेंस डी तकरीबन जो है वो 2 एस्ट्रोनॉट से तकरीबन 5 एस्ट्रोनॉट तक है। यानी किसी लेयर के दरमियान 2 एस्ट्रोनॉट भी हो सकता है, और किसी लेयर के दरमियान 3, 5, यानी ये जो डिस्टेंस की रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक वेरी करती है हमारे पास। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि दो ही लेयर हो, हमारे पास तीसरी लेयर भी हो सकती है, चौथी लेयर भी हो सकती है, काफी ज्यादा लेयर्स हो सकती हैं क्रिस्टल्स में, क्रिस्टल के क्यूबिक स्ट्रक्चर में। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने सोडियम सॉल्ट लिया है, हमें मालूम है कि सोडियम सॉल्ट में जो है वो डिस्टेंस, जो सोडियम सॉल्ट है वो क्यूबिक शक्ल का होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि जब रेज इसके ऊपर आकर गिरती है ना, तो दो काम होते हैं, दो काम ये कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या है, और दूसरी चीज ये कि रिफ्रैक्शन क्या है। आपको मालूम है कि अगर लाइट की रेज इस तरह से किसी चीज पर गिरे और रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, यानी कि उसी रास्ते से, यानी कि इससे टकराए और दूसरी तरफ मुड़ जाए, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं कि ये जो चीज है ना, ये रिफ्लेक्शन है, इसे एल से यानी कि रिफ्लेक्शन आता है। लेकिन अगर इस तरह से कोई मीडियम हो, इस तरह से कि लाइट की रेज इसमें से भी पास कर जाए और देन वो वापस आए, यानी कि मीडियम के अंदर गुजर जाए, मीडियम के अंदर से पास कर जाए, तो फिर हम उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये दोनों में जो है वो डिफरेंस है कि एक लाइट की रेज अगर किसी चीज को टकरा कर वापस चले जाए तो वो रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन अगर लाइट की रेज या एक्स रेज रेज है, कोई भी वाटर की रेज ही है, वो किसी दूसरी मीडियम के अंदर चले जाए, तो उसे हम उस चीज का रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, लेट्स से कि ये हमारा सोर्स था, इस सोर्स से हमारे पास जो है वो लाइट आ रही है, ये एक्स रे सोर्स है, इससे हमारे पास लाइट आई। लेट्स सपोज कि ये रे ए बी है, रे ए जो है वो यहाँ पर आई और इस क्रिस्टल से, क्रिस्टल की इस एटम से, क्रिस्टल का बॉक्स है ना, यानी कि क्यूबिक जो है वो एक क्रिस्टल है हमारे पास NaCl का, इसके एक एटम से टकराती है, और टकराने के बाद क्या करती है, इस रास्ते पर वापस चली जाती है, यानी कि ए से आई, यहाँ पर टकराई और फिर वापस इसे अपना रास्ता पलट लिया। अब हमारे पास एक और रे आती है, हमें मालूम है चूंकि ये सोर्स है तो इसका मतलब ही लाइट वेव दे रहा होगा, ये क्या करता है, ये नीचे आती है और फिर एक नीचे वाले एटम से टकराती है, ये नीचे आती जा रही थी, और अगर यहाँ पर ये एटम ना होता तो इसने तो टकराना नहीं था, लेकिन अब इन केस इसकी मजबूरी, यहाँ पर भी एक एटम आ गया। अब दूसरी रे जो अंदर जाके, चूंकि यहाँ पे खाली स्पेस थी एटम के दरमियान थोड़ी सी, तो ये जो दूसरी रे बी है, ये हमारी रे ए थी और ये रे जो है ये बी है, ये इस स्पेसिंग से गुजर कर आगे तो पहुंच गई, लेकिन यहाँ पर मजीद एक एटम था, उससे टकराने के बाद ये इस तरह से बाहर निकल गई। अब हमें ये भी मालूम है कि अगर ये हमारी रे ए है, लेट्स से कि मैं यहाँ पर ना एक लाइट का मार्जिन लगा लेती ताकि मालूम हो कि हमारी रे ए जो है, अब देखा जाए तो हमारी जो रे ए है, यानी कि ये हमारी रे ए इस पॉइंट पर आकर टकराई, और जो एंगल इसने इस पॉइंट पर इसके साथ बनाया, सिमिलरली वही एंगल
जो ये डैश है जो रिफ्लेक्ट हो गई, उसने भी इसी लाइन के साथ वही एंगल बनाया। आपको मालूम होगा कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है मोस्टली वही, अगर ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है उस रे का जो आ रही है, तो जो टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होती है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होता है जितना उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। अब ये दूसरी रे के बारे में बात करें तो दूसरी रे का प्रॉब्लम ये है कि दूसरी रे को थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। उससे अगर मैं इस तरह से करूँ कि लेट सपोज इस चीज को मैं इस तरह से कर दूँ, यहाँ पर पॉइंट सी मार्क कर दूँ और ये वाले पॉइंट को पॉइंट डी मार्क कर दूँ, यानी कि मैं ये कहूँ कि ये पॉइंट ओ है, ओ से मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया है ओ सी जो कि ए बी वाली लाइन पर है बी रे के ऊपर, और इसी तरह ओ डी एक परपेंडिकुलर गिराया है जो कि बी डैश वाली लाइन पे है। ठीक है, तो इसे अगर मैं क्लियर करके आपको यूँ समझाऊँ कि लेट सपोज ये देखें ये हमारी रे ए थी जिसने यहाँ पर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाया उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के, सॉरी इसे ए नहीं बल्कि ये ए डैश थी, हम ए थी और जब ये रिफ्लेक्ट हो गई तो ये ए डैश ए डैश हो गई। यहाँ हमारा सोर्स है, ये हमारी बी रे है, बी रे यहाँ थोड़ी सी स्पेसिंग से गुजर कर नीचे तो पहुंची लेकिन इससे टकरा कर उसे वापस जाना पड़ा तो ये हमारी बी डैश हो गई। अब हमने एक परपेंडिकुलर पॉइंट सी पे गिराया और एक परपेंडिकुलर पॉइंट डी पे गिराया। अब देखना ये है कि यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट बी मार्क करते हैं, पॉइंट ओ कह देते हैं इसे, पॉइंट ओ यहाँ पर टकरा कर बी रे वापस गई है ना, तो आप देखें कि हमारी जो दूसरी रे है रे बी, इसे जो है सी से डी और सी से ओ और फिर ओ से डी, इतना पाथ डिफरेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा है एज कम्पेयर टू हमारी रे ए से, यानी कि हमारी रे आई इससे टकराई और वापस चले गई, इसने तो कोई पार्ट डिफरेंस ट्रेवल किया ही नहीं, उसके लिए जो पार्ट डिफरेंस है यानी रे पार्ट डिफरेंस ए के लिए वो तो जीरो है। लेकिन अगर मुझे पार्ट डिफरेंस बी रे के लिए बताना पड़े तो आप देखेंगे ये नीचे आई सी से ओ तक, सी से ओ फिर ओ से डी तक भी गई, ओ से स्मॉल डी तक, तो उसने तकरीबन जो सी ओ प्लस ओ डी तक पार्ट डिफरेंस ट्रेवल किया है। अब अगर मैं इस तरह से करूँ कि यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करूँ तो यहाँ से मेरे पास ये दो ट्राइंगल्स निकल आती हैं, एक ट्राइंगल ये वाली निकल आती है और एक ट्राइंगल इस तरीके से, देखा जाए तो ये एक ट्राइंगल आ गई और एक ये ट्राइंगल आ गई। अब इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग अलग अलग कंसिडर करते हैं ताकि ये जाना जा सके कि आया कि एक ट्राइंगल में कितना उसके दरमियान पार्ट डिफरेंस आया और दूसरी ट्राइंगल का कितना पार्ट डिफरेंस आया, ताकि उन दोनों के पार्ट डिफरेंस को जब हम एडअप करें तो हमें टोटल पार्ट डिफरेंस मिल जाए हमारी बी रे का कि उसने अंदर जाके कितना ट्रेवल किया है। इस पॉइंट को मैं मार्क कर लेती हूँ कि ये ओ डैश है। अब हम लोग इसे अगर इस तरह से बनाएं जैसे कि यहाँ पर ट्राइंगल बनी है, ये लाइन ऐसे ओ डैश से सी तक आई है, उसके बाद सी से थोड़ा सा इस तरीके से, और उसके बाद ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह से मिल गई है, यानी कि ओ से ओ तक, ओ डैश से ओ तक। तो अगर अब आप देखें तो ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज आपकी 90 का एंगल बनाती है इस तरीके से, और ये वाली चीज आपकी हाइपोटेन्यूज है क्योंकि दो लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है हमने बोला है वो डी है जो कि इस तरीके से है, ये डी है, डी के साथ वाली पर हाइपोटेन्यूज के साथ वाली ये लाइन जो है ये हमारे परपेंडिकुलर है और इस जगह पर हमारा एंगल बन रहा है ना। देखिए ये हमारा वो एटम था जिसके साथ आके हमारी जो है रे इस तरह से टकराई, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा, इसका मतलब है यहाँ पर हमारा एंगल थीटा फॉर्म हुआ है। ये हमारा जो है ये वाली चीज जो है हमारी, सॉरी यहाँ से हमें इस तरह से भी तो देखना पड़ेगा ना, ये चीज हमारी थोड़ी सी गलत हो गई, हम लोगों को इस चीज को भी तो कंसिडर करना है ना कि ये हमारा बिल्कुल सीधा आ गया, ये चीज यहाँ पर है लेकिन हम लोगों ने जो परपेंडिकुलर गिराया है यानी यहाँ से यहाँ तक लाइन जो गिराई है, ये वाला एंगल तो बात ठीक है लेकिन ये एंगल आउटसाइड पे है, ये हमारी बी रे है लेकिन हम लोग जो इसको कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग तो इस रे को इस ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं ना, तो हमें इसके अंदर देखना पड़ेगा एंगल क्या है। जिस पॉइंट पर यानी ओ डैश के साथ जितने एंगल पे हम लोगों ने इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया है, इस चीज को हम लोग कहेंगे ये हमारा एंगल थीटा है। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये वाली जो चीज है ये हमारी बेस आ जाती है और ये वाली चीज जो है ये हमारी परपेंडिकुलर आ जाती है। इसे दोबारा एक बार कंसीडर करके देख लें कि ये देखें आपका ये ओ डैश था, ये आपकी रे आई इस पॉइंट से टकराई और वापस चली गई, इसने जो दोनों एंगल बनाए हैं वो इस तरीके से आउटसाइड पर बनाए हैं। लेकिन अगर मैं यूं करूँ कि ओ से एक परपेंडिकुलर गिराऊं, तो जो परपेंडिकुलर गिराऊंगी सी के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाना है ना,
अगर ये ओ डैश है तो ओ और सी के बिना कुछ ना कुछ तो यहाँ पर एंगल फॉर्म होगा, जो एंगल थीटा मार्क कर दिया मैंने, ये एंगल थीटा है और ये सी और डी के दरमियान यहाँ पर भी एक एंगल है। तो इस तरह से हमारे पास जो ट्राइंगल बनती है वो ओ डैश ओ सी है, जिसमें यहाँ पर हमारे पास 90 का एंगल आता है, ये चीज़ हमारी परपेंडिकुलर और ये चीज़ हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैं इसमें से हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की रेशियो निकालूँ तो ये हमारे पास जो रेशियो आती है, चूंकि सी और ओ डैश ये तो बेस है इसका, तो हमारे पास कोई काम ही नहीं है, ये चीज़ तो हमें मालूम ही नहीं है कि चीज़ क्या है। ये तो दो रेस के दरमियान डिफरेंस है, जो हमें नहीं मालूम करना कि दो रेस के दरमियान कितना डिस्टेंस है, हमें तो ये मालूम करना है कि पाथ डिफरेंस क्या है, जिसके लिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर तो होना जरूरी है। और हमें मालूम है कि जो साइन थीटा है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर हमारा साइन थीटा एज इट इज सीन, हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है सी ओ, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है जो कि डी है, यानी कि मैं इस तरह से कर सकती हूँ कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू सी ओ। ये तो हमारी जी एक ट्राइंगल सॉल्व हुई। अब अगले ट्राइंगल के लिए देखें कि अगले ट्राइंगल इस तरीके से है कि ये हमारा ओ से ओ डैश से ओ तक एक सीधा परपेंडिकुलर, ये हमारा डी था और डी इससे यहाँ पर इस तरीके से मिला था, इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बन रहा था, ये हमारी जो है वो परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी, तो इसे परपेंडिकुलर कहना चाहिए। ये हमारी चीज जो है वो बेस आ गई और ये चीज हमारी यहाँ पर टेन्यूज आ गई, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपको मालूम होगा ये चीज इस तरीके से और ये चीज इस तरीके से। इसी तरह से तो हुआ था हमारे ये दो एटम थे ओ डैश और ओ, एक रे यहाँ से आके टकराते चली गई और एक रे यहाँ से आकर टकराई, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये दो ट्राइंगल बनी। मतलब ये कि आधी ट्राइंगल अब हमने कंसिडर की और आधी ट्राइंगल पहले की, यानी कि एक ट्राइंगल इस और एक ट्राइंगल ये लेफ्ट हैंड साइड वाली ट्राइंगल और ये राइट हैंड वाली ट्राइंगल को हम लोगों ने जब मर्ज किया तो हमारे पास जो है वो टोटल ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा कि कितना पाथ डिफरेंस है जो हमारी एक्सटेन ने ट्रेवल किया है। तो अब अगर हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करें तो इस ट्राइंगल के लिए भी हमें ये मालूम होना चाहिए कि आया कि हमारा जो पाथ जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो कितना है। अब देखा जाए तो बेस यानी ओ डैश से लेके डी तक, यानी कि इस डायग्राम में इस चीज के बारे में हमें मालूम ही नहीं है क्या है, क्योंकि दो रेस के दरमियान फासला है, इसके बारे में अभी हमें जानने की जरूरत नहीं। हालांकि हमें मालूम होगा कि इसके बारे में ये क्या चीज है, लेकिन अभी हम इसे डिस्कस नहीं कर रहे, इसे रहने देते हैं और जो दो चीजें हमें गिवन है उन्हें लेकर काम करते हैं। परपेंडिकुलर जो है हमारा वो ए से ओ डैश से ओ तक है, यानी कि एक एटम यहाँ पर था और एक एटम यहाँ पर था, इनके दरमियान जो डिस्टेंस था उसे हम लोगों ने कहा ये स्मॉल डी है, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो ओ डी है। तो अगर मैं साइन थीटा की यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस लगाऊं तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है। अब परपेंडिकुलर जो है वो हमारा आता है कि डी और ये ओ, और डिवाइडेड बाय हमारा जो हाइपोटेन्यूज है जो कि डी है उसे मैं डी लिख लेती हूँ, जिसका मतलब है यहाँ पे d साइन थीटा जो है वो आ जाता है d o के इक्वल। अब अगर आप कंसिडर करें तो आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने ये इक्वेशन a लिखी थी कि हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो c o प्लस o d के इक्वल है, तो इस इक्वेशन a से तो मुझे c o की वैल्यू पता चल गई कि ये d साइन थीटा है। अब मसला है o d के बारे में, तो o d मुझे यहाँ से मालूम होगी। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने सम किया है इक्वेशन a को एंड बी को, तो मैं ये कह सकती हूँ कि अब मेरा डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू सी ओ प्लस डी ओ, इसके इक्वल निकल आया। तो इसका मतलब है मैं इसे लिख सकती हूँ कि ये टू डी साइन थीटा के इक्वल है, और ये जो टोटल चीज थी ये हमारा पाथ डिफरेंस थी। हमने ये बताना था कि हमारे रे ने कितना डिस्टेंस नीचे जाके ट्रेवल किया है, तो इसका मतलब है अब मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो पाथ डिफरेंस आया है वो तकरीबन 2d साइन थीटा है, यानी कि पाथ डिफरेंस हमारा 2d साइन थीटा हो गया। और आपको मालूम है कि जो पाथ डिफरेंस है वो हमारा n लैम्डा भी होता है, तो अगर मैं यहाँ पे n लैम्डा लिख दूँ, बल्कि n नहीं, अभी n को नहीं डिस्कस करते, खाली लैम्डा, पाथ डिफरेंस जो है हमारा लैम्डा है और लैम्डा 2d साइन थीटा के इक्वल है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं कि ये ब्रैग्स लॉ है, इसे हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन भी कहते हैं और ब्रैग्स लॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रैग्स इक्वेशन एंड लॉ, क्योंकि ये ब्रैग्स ने बताया था इसी के नाम पे हम लोगों ने ब्रैग्स इक्वेशन या ब्रैग्स लॉ रख दिया। और दूसरी बात ये
कि अगर तो ये जो रे हैं ये एटम से टकराए और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहें, तो हमारा जो एन लैम्डा, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार डिफरेंस होता है वो होता है हमारा एन लैम्डा। इसका मतलब है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। और अगर हमारी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो तो वो 1/2 प्लस एन इंटू लैम्डा 2d sin थीटा है। और दोनों ही केसेस के लिए एन जो है वो 0 से 1, 2, 3 तक वेरी करता चला जाता है। इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं कि अगर एक्सरे से लाइट मिटा के किसी क्रिस्टल सिस्टम पर पड़े तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि उसमें डिफ्रेक्शन किस तरीके से होती है, उसका पार डिफरेंस हम किस तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि एक्सरे बहुत छोटी सी होती है कि 10^-10 तक उसकी जो है वो लेंथ होती है वेवलेंथ। जैसे किस तरह से बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, वो आपस में कंजस्टेड होते हैं, और ये जो थोड़ी सी स्पेसिंग होती है ना थोड़ी सी, इससे एक वे, क्योंकि वो इतनी तो बारीक होती है उसकी वेवलेंथ, इतनी बारीक उसकी लेंथ होती है कि वो आसानी से उसके दूसरे एटम से जाके हिट कर सकती है और अपना जो पाथ है वो थोड़ा सा चेंज कर सकती है। इसके अलावा जो ब्रेक्स की जो हम लोगों ने एक्सरे की डिफ्रेक्शन है ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है कि किसी भी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल का हम लोगों को स्ट्रक्चर डिफाइन करना हो, हमें हेमोग्लोबिन के बारे में मालूम करना हो, या हेलिकल और डबल स्ट्रक्चर जो है वो DNA का वो फाइंड आउट करना हो। इसके अलावा हमारे ब्लड के बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूटेंट्स होते हैं उनके बारे में अगर मालूम करना हो, या हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो हम लोग एक्सरेज को ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एक्सरेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्सरे की जो वेवलेंथ या उनका जो पार डिफरेंस होता है वो बराबर होता है लैम्डा के। और अगर हम कंस्ट्रक्टिव की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव के केस में ये एन लैम्डा है, और डिस्ट्रक्टिव के केस में जो है ये n+1/2 × λ = d sin θ। हाँ जी, इसके इक्वल आता है कि n+1/2 × λ = d sin θ। तो ये ब्रैग्स के बारे में था कि ब्रैग्स ने किस तरह से एक्सरेज के बारे में डिफ्रेक्शन फाइंड आउट किया कि एक्सरे किस तरह से डिफ्रेक्ट करते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं उनके लिए डिफ्रेक्शन का फाइंड आउट करना वाकई बहुत मुश्किल था, जो कि ब्रैग्स ने किया था, और इसी वजह से ब्रैग्स लॉ या ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं।